स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप तीसरे कावड़ शिविर में आए हुए हैं। शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया गया सढ़ोरा वासियों द्वारा, जो अपने गोहानपुर मोहल्ले के अपने सैनी बरादरी के लोग हैं। सुरेश जी हैं, मंगत राम सैनी जी हैं, लवली सैनी जी हैं, जसमेर जी हैं और भी बहुत से साथी, विनोद जी और काफ़ी साथी हैं। उनके सानिध्य में ये शिविर यहाँ पर लगाया गया। देख सकते हैं काफ़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर आकर ठहरते हैं, अन्न जल वगैरह ग्रहण करते हैं। देखिए कितनी दूर से ये बालक भी यहाँ पर आए हुए हैं। होगी सेवा जी आपके यहाँ पे? हाँ जी, कब आए थे यहाँ पे? अभी आए जी। तो सेवा पूरी बढ़िया चल रही है यहाँ पे? हाँ मेरी तक ठीक है प्रोग्राम। चलो जी, 30 लीटर का जल जी बारे बोले कोट लगे जी लंबेदार के सामने पंडला में। क्या लगे? 30 लीटर जल जी बोले कोटला के भगत। क्या बात है, हमारे गांव के भगत लंबेदार कोट ले दे। 5 लीटर में क्या? 5 लीटर तम ले आए, 12 लीटर का है, 12 लीटर ही और उनकी बने जी थोड़ी। बस कोई बात नहीं, बनगी बस सारे की बनाओगे। देखिए तो ये शिविर स्थल पर आए हैं कोटला के हमारे, ये कृष्णलाल मास्टर जी के परिवार से कोटला के हमारे युवा बंधु यहाँ पर आए हुए हैं। कोटला जाकर जल अभिषेक करेंगे। हमारे कृष्णलाल मास्टर जी के परिवार जन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, और बहुत से हमारे युवा, हमारे स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ पर गोहानपुर मोहल्ला के हमारे जुड़े सेवादारों द्वारा की गई है। भगवान शिव का परिवार और दवाइयाँ आदि का भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है, देख सकते हैं। और ठहरने की व्यवस्था हम देखें, ये ठहरने गद्दे मंच बनाकर गद्दे और चारों तरफ पंखे जिंदल टेंट हाउस के सौजन्य से, और ठंडा कूलर, ठंडा लगातार काफ़ी फराटेदार कूलर जो है, बहुत बढ़िया ठंडी हवा फेंकने वाला, दूर तक यहाँ तक भी हमारी हवा आ रही है। और बहुत सुंदर व्यवस्था ठहरने की। और उधर भोजनशाला की तरफ भी बढ़ेंगे, धर्मपाल जी भी आए हुए हैं अपना सहयोग देने के लिए, हमेशा सहयोग उनका रहता है। बोले बड़े दूर दूर से यहाँ पर ठहरते हैं, ठंडे जल की सेवा हमारे भाई चमन शर्मा कश्यप जी द्वारा, श्री गुरु जी एंटरप्राइजेज द्वारा भी यहाँ पर भी कई जगह मैंने देखा है उनके द्वारा दी जा रही है, देख सकते हैं। और ये भोले ठहरे हुए हैं, चाय पकौड़ा का प्रसाद, चाय का प्रसाद, ब्रेड का प्रसाद, मिष्ठान, साथ ही फ्रूट वगैरह सब की व्यवस्था। बोले कहाँ से आए जी? मिलक अपने सुडोरे वाले पास से। तो कैसी व्यवस्था लगी यहाँ पे? बढ़िया रही, अच्छा रहा इंतजाम इनका। तो ये हमारे नज़दीकी गांव मिलक से हमारे बंधु हैं, तो चलिए चलते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्था। और यहाँ की पाकशाला में हम लोग जाएंगे, जहाँ पर ब्रेड पकौड़े, दोपहर का खाना, रात्रि का खाना सब यहाँ पर बने। इस टाइम पकौड़ों की सेवा चल रही है, ये पकौड़े पकौड़े खिला रहे कि खाना खुना भी खिलाते हैं भाई? तो आज क्या खाने में क्या खिलाया दोपहर को? कद्दू पूरी, हलवा, दाल, चावल। क्या बात है। और अब चाय चल रही है दोपहर की, तो रात्रि का क्या प्रोग्राम है? रात्रि का दाल चावल है। दाल चावल है, बहुत बढ़िया। देखिए कल को हमारा खीर है, कल को खीर क्या, फिर तो आना पड़ गया भाई यहाँ पे। आलू मटर की सब्जी भी है, मैं दोपहर को तो ही लंगर छकना पड़ गया। चलो कोई बात नहीं जी, आप देख सकते हैं पकौड़ों की सेवा, ब्रेड की सेवा पूरी। मंगत राम सैनी जी, हमारे धर्मपाल जी, हमारे जसमेर जी, लवली जी, उनकी पूरी टीम जो है यहाँ लगी हुई है, और बड़ा अच्छा बेहतरीन इंतजाम यहाँ पर किया गया है। ठंडा जल भी और साथ ही जल जीरा हम दिखाएंगे आपको दृश्य है। जल जीरा लगातार जो यहाँ से इसमें टब में भरा हुआ है, और यहाँ से जल जीरे की सप्लाई भी शिव भक्तों को लगातार की जा रही है, और ठंडा जल भी यहाँ पर रखा हुआ है। और देख सकते हैं पूरी टीम यहाँ पर जुटी हुई है। चलिए हम थोड़ा आगे बातचीत करके। हाँ जी सुरेश जी, आप बताएंगे जरा क्या व्यवस्था है कांवड़ियों के लिए? हाँ, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था रही है जी। हमारे भगत जसमेर सिंह जी के द्वारा जी हर साल, जीवन 30 साल भी इस वर्ष भी जी बड़ी धूमधाम से शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर कम से कम 10-12 साल इसी तरह से लगता आ रहा है। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। और इसमें हर तरह की सुविधा दी गई है आने वाले कांवड़ियों को, ठहरने की, सोने की व्यवस्था, आने धोने की पूरी व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था बहुत बढ़िया से हमारे जसमेर जी द्वारा की गई है। वाह जी वाह, जसमेर जी पर तो भोले की कृपा देखे। जसमेर जी बैठे हुए बोलेंगे नहीं, ये देखो इनका चेहरा देख लो, ये सेवादार भोले जी के भगत। जसमेर जी जय भोले की जी, बोल दो जय भोले की, हर हर महादेव, हर हर। बहुत सुंदर व्यवस्था पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर की जा रही है, हर साल हम लोग भी आते हैं, कवर करते हैं, लगातार जितने भी भोले यहाँ से गुजरते हैं उनमें से लगभग सभी भोले के भगत यहाँ पर। आप देखिए नए नए भोले अभी यहाँ पर उतरे हैं,
आए हैं और वो अपने जो है पवित्र गंगा जल को एक बार उनके उचित स्थान पर ठहरा रहे हैं, उसके बाद फिर अपना जल ग्रहण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देख सकते हैं कोटला की टीम, लोकली टीम है हमारी, यहाँ पर बैठी हुई है और भी बहुत से भक्त दूर दराज इलाके से भी। तो ये देखिए, आ जाओ भगत, ये देखो भगत बैठे हुए हैं। मिलक खास ही है ना अपना, तो मिलक जुवालियाँ से। हाँ, मिलक जुवालियाँ जी हमारे होशियार सिंह जी का गाँव है, वो भी हमारे मित्र हैं, तो यहाँ पर ठहरे हुए हैं और बहुत अच्छे भगत हैं वहाँ पर, श्रद्धालु हैं। तो देख सकते हैं कि इस सीवर की सेवा 24 घंटे की सेवा है और डाक कावड़े भी लगातार लाई जा रही है यहाँ पर से। कावड़े देख सकते हैं आप, यहाँ पर कावड़े रखी ही हैं और झंडों से भी युक्त कावड़े, मोटरसाइकिलों पर भी कावड़े यहाँ पर आती हैं। तो बहुत एक अच्छा व्यवस्था की गई है, तो आप देख सकते हैं और बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ जो है कावड़िए जो है यहाँ पर विश्राम करते हैं। देख सकते हैं नए भोले आए हुए। हाँ भोला जी, जय भोले की जी, कहाँ से आए? महमदपुर, अपने लोकल ही। वेरी गुड, ये सारे महमदपुर के भाई, ये हमारे लोकल गांव महमदपुर से हैं, मिलक से भी ठहरे हुए मिलक और महमदपुर से। तो ये सीवर गोहानपुर से हमारे साथी जसमेर जी के सौजन्य से, मंगत राम जी, सुरेश जी बैठे हुए हैं और भी बहुत से लोग यहाँ पर, अपने लवली जी के पिता श्री यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और भी कई वरिष्ठ साथी जो है मोहल्ले से, यहाँ पर हम नाम नहीं जानते लेकिन सकल से कई वर्षों से वाकिफ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। तो परमात्मा की कृपा इन सब पर बनी रहे और ऐसी सेवा जीवन पर्यंत तक ये करते रहे और सेवा को फिर आगे बढ़ाते हैं। देख सकते हैं रमेश जी आरती भी यहाँ पर सेवा में अब दूध लेकर आए हुए हैं, वो लगातार जुड़े हुए हैं, रमेश जी, ओम प्रकाश जी और बहुत से नाम हैं जो लगातार दिन रात इस सेवा में जुड़े हैं। देखिए आप, हमारे भाई साहब जी आए हुए हैं, क्या लेके आए भाई साहब जी? सामान है जी। जी, तो आप भी सुबह से खड़े यहाँ पे? कल से खड़े हैं। वाह जी वाह, बहुत ही कर्मठ हमारे साथी हैं, हमारे भाई बंधु हैं, सब यहाँ पर सेवा में जुटे हुए हैं। देख सकते हैं आप, हमारा पूरा परिवार। हाँ रमेश जी, बता रहा हूँ मैं, दूध लेके, देखो दूध की सेवा उनके द्वारा की जा रही है। बहुत अच्छे सेवादार भोले के भगत, भोले जी की कृपा, जिन पर ही कृपा बनती है वही सेवा के पात्र बनते हैं, वही सेवा करते हैं, जिन पर भगवान भोले जी का आशीर्वाद होता है। तो इन बंधुओं और भोले का आशीर्वाद है, इस कारण से ये सेवा कर रहे हैं। तो प्रभु शिव शंकर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो ये थी शिव कावड़ सीवर तीसरे नंबर पर जो हमने कवर किया है, उनसे स्टेट न्यूज़ 71 की प्रस्तुति। हम भी अपने चैनल की तरफ से सभी सेवादारों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, भगवान शिव की उन पर कृपा बनी रहे और साथ ही सभी शिव भोले की जो कावड़ी हैं उनकी मंगल यात्रा की हम कामना करते हैं और साथ ही सभी को जो है शिवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं, सावन मास की भी शुभकामनाएँ देते हैं। धन्यवाद, जय।